अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं एक बार फिर लेकर आया हूँ उम्र तवैया में नया टॉपिक। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले दो लेक्चरों में हम आजा पर बात कर रहे थे। उम्र तवैया में चौथा उमूर है आजा, उस आजा के बारे में हमने पढ़ा। आज तीसरा लेक्चर है, इसमें हम उस आजा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आजा यानी ऑर्गन, जैसा कि आपको मालूम हो ही गया है कि आजा क्या है और कहते किसे हैं, इसकी क्या तारीफ है, कितनी टाइप्स हैं, ये मैंने आपको पिछले दो लेक्चर में बता दिया है। देखते हैं एक बार फिर इसकी तारीफ क्या है। तारीफ के सिलसिले में मैं पिछले दो लेक्चर में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ नहीं समझता जरूरी कि फिर दोबारा एक बार रिपीट कर। तो हम सीधे अब टॉपिक पे आते हैं। आजा की एग्जाम मैं बता चुका था कि दो होती हैं, आजाए मुफरदा और आजाए मुरक्कबा। आजाए मुफरदा हमने डिटेल में पढ़ी कि आजाए मुफरदा क्या है और कितनी तरह की होती है। आज हम पढ़ेंगे आजाए मुरक्कबा। तो सबसे पहले मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि आजाए मुरक्कबा कहते किसे हैं, उनकी तारीफ क्या है। वो आजा जिनके जुज और कुल पर एक ही नाम ना बोला जाता है, यानी आजा का कोई छोटा हिस्सा या कुल आजा यानी पूरा आजा हो तो दोनों को अलग अलग नाम से बोला जाए तो उसे आजाए मुरक्कबा कहते हैं। जैसे सिर, हाथ और पैर, अगर हाथ का कोई छोटा हिस्सा लेकर पूछा जाए कि ये क्या है तो उसे हाथ नहीं कहा जाएगा। ये है आजाए मुरक्कबा की तारीफ। इसके बाद आजाए मुरक्कबा की अकसाम, यानी आजाए मुरक्कबा को कितने किस्मों में बांटा गया है। तो जो हमारे जिस्म में मौजूद आजाए मुरक्कबा हैं, किस तरह वो हमारे जिस्म में तकसीम किए गए हैं, इसी पर हम आज बात करेंगे। तो आजाए मुरक्कबा को पांच तरह से तकसीम किया गया है, यानी पांच तरीके हैं, उन पांच तरीकों में इस आजाए मुरक्कबा यानी कंपाउंड ऑर्गन को बांटा गया है। नंबर वन है बाएतबार तरकीब, यानी तरकीब के एतबार से। दूसरा बाएतबार रियासत। तीसरा बाएतबार खिदमत। चौथा बाएतबार कुवा और पांचवा बाएतबार तौलीद। तो ये पांच तरह की तकसीम की गई है। इन पांचों तकसीम को हमें अलग अलग पढ़ना है और समझना है कि ये पांच तरीके क्या हैं, क्यों इन तरीकों से आजा को बांटा गया है। तो हम अगली स्लाइड में ये एक एक करके इनके बारे में डिटेल से तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है बातबार तरकीब, यानी तरकीब के एतबार से। तरकीब यानी ये किस तरह हमारे जिस्म में बनकर तैयार हुए हैं। तो इनकी जो तरकीबें हैं वो हमारे सामने आएंगी। तरकीब के लिहाज से अगर देखें तो आजाए मुरक्कबा की चार किस्में होती हैं। नंबर वन है तरकीब उला, यानी पहली तरकीब। दूसरी है तरकीब सानवी, यानी दूसरी तरकीब। तीसरी तरकीब सालस, यानी तीसरी तरकीब। और चौथी है तरकीब राबा, यानी चौथी तरकीब। तो ये चार तरह की तरकीबें हैं। इन तरकीब के बिना पर बाएतबार जो तरकीब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो इन चारों के लिहाज से पढ़ेंगे अलग अलग करके। तो सबसे पहले बाएतबार तरकीब में आती है तरकीब उला। तरकीब उला क्या है, पहले इसको समझना है कि तरकीब उला क्या है। यहाँ पहले मैं बताऊँ तरकीब उला क्या, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चारों तरकीबें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह समझकर पढ़ना है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर जब भी हमारी क्लासें स्टार्ट होंगी कॉलेज में तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि आप ये तरकीब उला क्या है। इसे पहली तरकीब भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी उजू की तरकीब में सिर्फ आजाए मुफरदा शामिल हो तो उसको तरकीब उला कहा जाता है, यानी वो तरकीब जिसमें सिर्फ और सिर्फ आजाए मुफरदा ही शामिल हो तो वो तरकीब कहलाती है पहली तरकीब, यानी तरकीब उला। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ मैंने कुछ एक नाम लिखे हैं, अजलाक,
रबात, आसाब, लेहम और गिशा। तो ये जितने भी मैंने यहाँ नाम लिखे हैं ये सारे वो आजा हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुफरद आजा हैं, इसमें किसी और चीज़ का कोई दखल नहीं। तो ये जितने भी आजा हैं वो सब कहलाएंगे तरकीब उला। क्यों? क्योंकि इनकी तरकीब इस तरह हुई है कि इसमें सिर्फ आजा मुफरदा ही शामिल हैं, इसलिए ये पहली तरकीब में आते हैं जिन्हें तरकीब उला कहते हैं। दूसरी तरकीब है तरकीब शामी, यानी दूसरी तरकीब। इसमें क्या होगा कि जब किसी वजू की तरकीब में दूसरे आजा के साथ साथ तरकीब उला का कोई मुरक्कब भी शामिल हो जाए तो इस तरह जो तरकीब बनेगी वो कहलाएगी तरकीब शामी। मतलब ये है कि इसमें जो तरकीब बन रही है वो इस तरह बन रही है कि दूसरे आजा के साथ साथ पहली तरकीब के आजा भी अगर उसमें शामिल हो जाएं तो वो तरकीब शानवी यानी दूसरी तरकीब कहलाएगी। यहाँ मैंने दो चीज़ें लिखी हैं जैसे आ और अजलात। अजलात जैसे मैं बता चुका हूँ कि मुफरद है और तरकीब उला में तरकीब पाता है। तो यहाँ आँख के अंदर हम देखें तो बहुत सारे और भी मुफरद आजा होते हैं जैसे कॉर्निया है, आयरिस है, उसी के साथ साथ अजलात भी होते हैं। तो हमें यहाँ मालूम हो ही गया है कि अजलात तरकीब उला में बनता है और आँख जो है वो तरकीब शानवी में आ रही। इसके साथ साथ पहली तरकीब के कुछ आजा भी मुरक्कब भी शामिल हो रहे हैं, इसलिए इसे कहेंगे तरकीब शानवी यानी दूसरी तरकीब के लिहाज से। तीसरी तरकीब देखें तो तरकीब सालस। इसमें क्या होता है कि जब किसी वजू की तरकीब में दूसरे आजा के साथ साथ अगर तरकीब शानवी के कोई मुरक्कब भी शामिल हो जाए तो उसको फिर तरकीब सालस कहा जाता है। यानी वो आजा जो इसमें शामिल तो हैं उसके साथ साथ अगर दूसरी तरकीब यानी तरकीब शानवी का कोई मुरक्कब भी शामिल हो जाए तो फिर वो तरकीब तरकीब सालस कहलाती है। जैसे चेहरा प्लस आँख। आँख हमने देखा था कि दूसरी तरकीब में यानी तरकीब शानवी में तरकीब पा रही थी और वो यहाँ भी है। इसका मतलब ये है कि चेहरा और आँख ये दोनों जब मिलेंगी तो तरकीब सालस कहलाएंगी, क्योंकि चेहरे पर आँख भी मौजूद है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आजा होते हैं, लेकिन यहाँ आँख क्योंकि दूसरी तरकीब की का मुरक्कब है और यहाँ पर शामिल है तो इसलिए इसे कहेंगे तरकीब सालस यानी तीसरी तरकीब। लास्ट है तरकीब राबे यानी चौथी तरकीब। तो चौथी तरकीब के लिहाज से क्या होगा इसमें कि जब किसी वजू की तरकीब में दूसरे आजा के साथ साथ तरकीब सालस का कोई वजू भी शामिल हो जाए तो वो तरकीब राबा यानी चौथी तरकीब कहलाती है। जैसे सिर और चेहरा। सिर के अंदर चेहरा भी शामिल है और आपको मालूम हो ही गया है कि चेहरा तीसरी तरकीब में मौजूद है यानी तीसरी तरकीब में वो बन रहा है और सर जो है वो तरकीब राबा है यानी चौथी तरकीब के लिहाज से बन रहा है, लेकिन इसमें भी चेहरा शामिल है तो ये सर और चेहरा मिलकर ही तरकीब राबा यानी चौथी तरकीब में शामिल हो। तो इस तरह ये चारों जो तरकीबें हैं एक दूसरे से मिली हुई हैं। पहली तरकीब में जो बनता है वो दूसरी तरकीब में शामिल होता है, जो दूसरी तरकीब में बनता है वो तीसरी तरकीब में शामिल होता है, और जो तीसरी तरकीब में बनता है वो चौथी तरकीब में शामिल होता है। तो इस तरह ये चारों तरकीबें हैं बाएतबार तरकीब के लिहाज से, जो कि आजाए मुरक्कबा की तकसीम जिस तरह की गई थी उसमें पहले नंबर पर आता है बाएतबार तरकीब, जो हमने यहाँ चारों तरकीबें पढ़ी। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।